जिदन श्री हरिमंदर साहब का सरोवर जड़ी संगत गुरु अर्जन साहब जी का पुरब मना गई सी शहीदी का साह संगत जदों असी आने वाली पीढ़ियां नू दस्या करना भी जिदन जून 84 4 जून नू हमला होया तो उन्हां दिनां च गुरु अर्जन साहब जी का शहीदी पुरब सी दस्या करना ना जी। तो जे इस वारी सानू बच्चे साढ़े पुछन कि असी तो मई च मना लिया जी शहीदी पुरब किते दा किते चलिया जाना है तो घल्लूघारे का दिवस उही रहना ये भी एक सोचण दा विषय है बहुत गंभीर विषय है। हुण उदों शहीदी पुरब सी संगतां जिहड़ियां दर्शनां लई आईयां सन निर्दोषां दे लहू नाल सरोवर लाल सुरख होया इमारतां खून नाल लथपथ होईयां हरिमंदर साहब छलनी होया अकाल तख्त साहब मलिया मेट होया सारी मर्यादा तार तार हो गई। सिखां ने आखिरी साहां तक कीर्तन जारी रखण दा यतन किया। 4 जून का दिहाड़ा अज घल्लूघारा दिवस की याद में श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होया इत्थे भी फतेहगढ़ साहब अज दे दिन बड़ियां वड्डियां इतिहासक घटनावां होईयां कुछ लोग बाहां खड़ियां करके भी बाहर आए पर जो सारा कुछ मर्यादा रूप च सिखा ने बहाल किया ना तो जिमें आ सिख आ के अरदास कर रहे ना सच्चे पातशाह के चरणा च पुन कर जोर करी अरदास श्री सतगुर साहिब के पास उदन भी सिखा ने भरे मन नाल सतगुरु साहब इदा ही विराजमान सन जिदा इत्थे इतिहास च कलगीधर पातशाह के रूप च विराजमान तो श्री दरबार साहब जो फिर सारी मर्यादा तो बाद पहली अरदास की ना बहुत विराग च सन सिख बहुत पीड़ित सन और वो जड़ा तीजे चौथे दिन का नज़ारा सी ना वो मैं भी जाके अखां नाल वेख्या सी हर सिख भुब्बा मार रो रहा सी उस वेले। फिर गुरु बोलिया सी जिवें अज सिख कह रहे इत्थे इतिहास के पन्नियां च सिखा ने कहा महाराज हंकार दे भरिया होया ने तेरे दर नूं मलिया मेट करन दा यतन कीता वो बहुत ताकत दे मालक ने टैंकां तोपां दे मालक ने ते सतगुरु बोले सन चिंता ना करो सिर ते जिवें हाथ रख दिता होवे गुरु ने पर तक सतगुरु ने जिवें सिखां दे सिर ते हाथ रख दिता होवे। महाराज ने कहा बचन कीता बाणी शब्द आया हुक्म बख्शिया किस हां जाति किस आराधी जा सब को कीता हो सी जो जो दीसा वड्डा वडेरा सो सो खाकूरल सी जड़े वड्डे वड्डे हंकारी बन के आंदे आ वो खेच रल जाते हैं। सिखा ने धीरज कीता ते गुरु दे बचना ते भरोसा कीता ते वरा पूरा नहीं होया साध संगत वाकई जड़े वड्डे धाड़वी बन के आए सी वो खेच मिल गए। फिर इदां सिख अरदास करदे आ पुन कर जोर करी अरदास श्री सतगुर साहिब के पास आओ अपनी हर उलझन नू गुरु साहिब को लै के आईए फिर सारा पंथ गुरु वाले पासे होएगा गुरु दे कोल सानमुख होएगा। ये सिख भी बड़े पीड़ित सन इन्हां नाल भी घिरना करन वाले बहुत ने और शरीरक जंग दे नालों ना शरीरक कष्ट दे नालों जिहड़ा मानसिक चोटां हुंदियां उह ज़्यादा खतरनाक हुंदियां तो सिखां नूं इदां पीड़ित किया जा रहा मानसिक तौर पर उन्हें आके अर्ज की सच्चे पातशाह बड़े प्यारे जे सिख बड़े भोले जे सिख महाराज असी तो किसी का बुरा नहीं चितवदे असी तो रोज़ कहिंदे आ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे कहिंदे रहना असी तो कहिंदे रहना साध संगत जी सिखां ने तो कहिंदे ही रहना ना सिखां नूं तो जिहड़े मारन आए सी ते महाराज ने भाई कन्हैया जी राही सेवा लाई सी इन्हां नूं भी पाणी पियाओ इन्हां नूं भी मरम पट्टी करो बड़ी वड्डी सोच सी साध संगत